हेलो फ्रेंड्स, सो आपका एक बार ज़ोरदार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर विनीत कांकरियाज एकेडमी। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह मैं अच्छे अच्छे कंटेंट बनाकर आप तक देते रहूं, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो एंड प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट आपको अपडेट्स मिलते रहे। जब जब मैं वीडियोज़ डालते रहूँगा आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। सो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर चीज़ आपके लिए है, लेकिन बस आपको अपडेट मिलने के लिए बेसिक फॉर्मेलिटी है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, प्रेस और बेल आइकॉन पे क्लिक करो, ठीक है। चलो उसके बाद में कर रहे हैं, अब हम शुरू करेंगे मेन टॉपिक, एडवांस टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। आपने डिफरेंशिएशन बेसिक में देखा होगा 11 12th में, लेकिन अब ग्रेजुएशन में अगर आप हो तो अब आपको इस टॉपिक से पाला पड़ने वाला है, जिसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो बीएससी कर रहे हैं, जो बीसीएस कर रहे हैं, जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पीजीटी टीजीटी किसी भी एडवांस लेवल की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें आपको लगने वाली हैं। दोस्तों, ये कोई नया नहीं है, अगेन आपका ये पूरा बेसिक फाउंडेशन यानी 11th और 12th का मैथ्स है। अगर आपने 11th में डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ा होगा तो गारंटी है मेरी, आपको ये टॉपिक कहीं पर भी तकलीफ नहीं देगा। और अगर आपने 11th में मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो भी टेंशन नहीं लेना है, डिफरेंशिएशन मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, जितने पार्ट उसके हैं एटलीस्ट उतना कर लो, इनफ है ये टॉपिक समझने के लिए, उतना इनफ है। तो इसीलिए वो पहले जिनका डिफरेंशिएशन वीक है, उन्होंने ठीक से नहीं किया था, उन्होंने मेरे चैनल पर डिफरेंशिएशन के 1 to 6 लेक्चर है वो देख लो, और जिनका स्ट्रांग है वो शुरू हो जाओ। सो नाम ही दोस्तों सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब क्या? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन यानी सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब तक आप डिफरेंशिएशन टॉपिक में एक बार डिफरेंशिएशन करते थे, अब यहाँ पे आपको दो बार करना पड़ेगा सक्सेसिव। पहली बार किया, कुछ तो मिला, उसका फिर से डिफरेंशिएशन, कुछ तो मिला, उसका फिर से डिफरेंशिएशन, कुछ तो मिला, उसका फिर से, करते रहो करते रहो करते रहो जब तक क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। और क्वेश्चन कब तक डिमांड करेगा? एक बार, दो बार, तीन बार, ज़रूरी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, 4-5 एन टाइम्स डॉट 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 डॉट, बराबर एक बार हो सकता है, दो बार, तीन बार, डॉट 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 एन टाइम्स वो डिमांड करेगा। तो वो एन टाइम्स जब डिमांड करेगा तो कैसे करना है, किस तरह से उससे निपटना है? एक बार, दो बार, तीन बार, खैर हमें पता है कहाँ पर रुकना है, लेकिन एन टाइम्स मतलब कहाँ तक करते रहो, तो वो केस में क्या करें वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक का हार्ट, जिसको बोला जाता है लिबनीज थ्योरम, काफ़ी सुना होगा उसके बारे में आप लोगों ने अपने सिलेबस में, लिबनीज थ्योरम, वो क्या है वो भी हम देखेंगे बहुत जल्द। तो फिलहाल तो देखो दोस्तों, एक बेसिक क्वेश्चन जैसे एक ब्रशअप के लिए, एक बेसिक डिफरेंशिएशन को ब्रशअप करने के लिए, इफ़ वाई इज इक्वल टू दिस, वाई मतलब आपको ये दे दिया है, देन शो दैट 2y1 y3 इज इक्वल टू 3y2 स्क्वायर, 2y1 y3 इज इक्वल टू 3y2 स्क्वायर। अब बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये सर y1 क्या, चलो y तो ये है, अब ये y1 y3 y2 क्या है? दोस्तों, जो आप dy/dx बोलते थे, यानी dy/, अगर आपको कोई y फंक्शन दिया है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को आप क्या बोलते हो? dy/dx। y फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव यानी dy/dx, उसी को अब आप y1 बोलने की आदत डाल दो इस चैप्टर में। इस चैप्टर में फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको आप dy/dx बोलते थे, f'x बोलते थे डिफरेंशिएशन टॉपिक में, उसी को y1 बोलने की आदत डाल दो। जो सेकंड डेरिवेटिव है d2y/dx², उसको y2 बोलने की आदत डाल दो। थर्ड डेरिवेटिव d3y/dx³, उसको y3 बोलने की आदत डाल दो, इस तरह से। सो dy/dx को ही यहाँ y1 बोला गया है, तो ये y1 किसकी हिंट दे रहा है? dy/dx। y3 यानी d3y/dx³ की, मतलब समझ रहे हो आप, तीन बार डेरिवेटिव आपको यहाँ पे लेना है, ठीक है। देन y2 मतलब क्या है? d2y/dx², यानी दो बार डेरिवेटिव आपको लेना है, क्लियर। ऐसे करते करते n टाइम्स अगर आपको बुलाइए, अब यहाँ तो बस y1 y3 और y2 है, n टाइम्स भी मैंने जैसे कहा कोई कोई क्वेश्चन आपको डिमांड करेगा तो उसमें क्या कर देना है? dny/dx^n। जैसे एक बार है तो यहाँ पे 1, 1, दो बार है तो 2, 2, तीन है तो 3, 3, तो n टाइम्स है तो d^ny/dx^n, और उसी को आप पैर से बोल दोगे y^n। जैसे ये y1, ये y2, ये y3, तो ये yn, ठीक है दोस्तों। सो बस यहाँ पे इस सिंबल से डरना नहीं है। चलो अब शुरुआत करते हैं इस एक्चुअल कंसेप्ट की। सो y इज इक्वल टू ax+b/cx+d, दोस्तों ये आपको दिया है। सो अब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या चाहिए? तीन डेरिवेटिव तक चाहिए। सो तीन डेरिवेटिव हम ले लेंगे। सबसे पहले y1, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा आपको पता है? क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या बोलता है आपको?
न्यूमरेटर का पहले डेरिवेटिव लो, डिनोमिनेटर एज इट इज़, सो डिनोमिनेटर। अब ये सब चीज़ें मैं बहुत आराम से नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा फास्ट करूंगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये बेसिक आप सब क्वोशेंट रूल क्या है, चेन रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल क्या है, ये सब आप बेसिक डिफरेंशिएशन में देख चुके हो, और वही सब चीज़ें यहाँ काम आने वाली। इसलिए मैंने कहा अगर वो क्लियर है तो यहाँ तकलीफ नहीं होगी, और वो क्लियर नहीं है तो पहले उसको क्लियर करो, ठीक है। सो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ax प्लस बी का डेरिवेटिव होता है a माइनस, कंपलसरी क्वेश्चन रूल में माइनस है, ये ax प्लस बी का a कैसे आया वो आप खुद देख लो बाय यूजिंग उसका बेसिक डिफरेंशिएशन टॉपिक, ये सब हम देख चुके हैं। अब न्यूमरेटर एज इट इज, एक बार डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, अब न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये उसका रूल है, ठीक है। सो अब a से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू सी एक्स ए सी एक्स प्लस a इंटू डी ए डी, माइनस c से अंदर मल्टीप्लाई कर दो c इंटू ए एक्स ए सी एक्स, बट ये देखो माइनस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, और अगेन b इंटू सी बी सी, बट ये माइनस साइन है सो माइनस प्लस माइनस बी सी, ठीक है, अपॉन ये एज इट इज। सो देखो माइनस ए सी एक्स प्लस बी सी, ए सी एक्स कैंसल, बचा क्या ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर फॉर वाई वन इज इक्वल टू, ये वाई वन है फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसी को मैं बोल सकता हूँ ए डी माइनस बी सी इंटू सी एक्स प्लस डी रेस टू माइनस टू। ये बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको पता है, कोई भी रेस टू पावर अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हुई तो साइन बदल जाता है। तो ये तो ब्रैकेट एज इट इज़, और यहाँ पर भी ब्रैकेट एज इट इज़ ऊपर ले लिया, बट ऊपर जैसे लिया ये पॉजिटिव टू जो था ये निगेटिव हो गया, सो ये मिला आपको वाई वन, और बस। अब आपको वाई वन तो मिल गया है, क्वेश्चन की डिमांड वाई टू भी है वाई थ्री भी है, सो टेकिंग वन मोर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मुझे बताओ ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, बी क्या है कॉन्स्टेंट, सी कॉन्स्टेंट, डी कॉन्स्टेंट, तो ये ए डी माइनस बी सी ये तो पूरा कॉन्स्टेंट की टर्म है, सो जब भी कॉन्स्टेंट का आप डेरिवेटिव लेते हो और वो वेरिएबल को अटैच है तो कॉन्स्टेंट टर्म हमेशा क्या होती है एज इट इज़, आपको पता है, सो ये तो एज इट इज़, और इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस टू, इधर आ गया माइनस टू इंटू सी एक्स प्लस डी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री। ये चीज़ अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, नहीं तो फिर बाकी स्टूडेंट जो पहले से बेसिक डिफरेंशिएशन मेरे साथ करते आए वो इरिटेट हो जाएंगे, क्योंकि ये चेन रूल है कैसे हमने करना है, ये बेसिक में मैं बार बार बता रहा हूँ। अब ये लास्ट टाइम बताऊँगा कि वो मेरे चैनल पे डिफरेंशिएशन के जो छः वीडियोज़ है वो देखो, तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी कि सर ने ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़ क्यों रखा, ये माइनस टू इधर कैसे आया, माइनस थ्री क्यों हुआ, ठीक है। सो ये कॉन्स्टेंट एज इट इज़ माइनस टू इधर आया, सी एक्स प्लस डी माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इन टू, चेन रूल क्या बोलता है, ये तो सिर्फ माइनस टू का डेरिवेटिव हुआ, फिर सी एक्स प्लस डी का सी प्लस जीरो मतलब सी, ठीक है। इसी को अगर मैं सही लिख दूँ, मतलब ये माइनस टू और सी पहले ले लो तो क्या हो गया माइनस टू सी ए डी माइनस बी सी और सी एक्स प्लस डी रेस टू माइनस थ्री, ये हुआ वाई टू। और अब टेकिंग वन मोर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिससे आपको मिलेगा वाई थ्री। सो इतना लिख लो पहले, ठीक है, सो इतना लिख लो दोस्तों, y3 क्या हुआ, अगेन माइनस टू एज इट इज, कॉन्स्टेंट एज इट इज, c एज इट इज, ad माइनस बी सी, ये पूरी टर्म यहाँ तक कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज, और फिर से इसका डेरिवेटिव पहले माइनस थ्री इधर आ जाएगा तो सी एक्स प्लस डी माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर इन टू अगेन सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी। सो देख लो क्या हुआ, ये माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, सो माइनस माइनस प्लस टू इंटू थ्री सिक्स सी इंटू सी सी स्क्वायर, बाकी फिर सब एज इट इज ए डी माइनस बी सी एज इट इज सी एक्स प्लस डी रेस टू माइनस फोर एज इट इज। सो दोस्तों ये हुआ वाई थ्री। आपको ये शो दैट के लिए वाई वन रिक्वायर्ड था, वाई थ्री रिक्वायर्ड था, वाई टू रिक्वायर्ड था, सब आपको मिल चुका है, एक मिनट में लिख लो और फिर मैं ये मिटाता हूँ और लेता हूँ एल एच एस आर एच एस। जो चीज़ आपको चाहिए थी वाई वन वाई टू वाई थ्री वो मिल चुकी है, अब बस एल एच एस आर एच एस पे आ जाओ। सो इधर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, एल एच एस, एल एच एस क्या है, टू वाई वन वाई थ्री, सो टू वाई वन क्या है ए डी माइनस बी सी सी एक्स प्लस डी रेस टू माइनस टू, ठीक है, और इन टू वाई थ्री, वाई थ्री क्या है, वाई थ्री रहा ये, वाई थ्री रहा ये,
सिक्स सी स्क्वायर ए डी माइनस बी सी एंड सी एक्स प्लस डी माइनस फोर रेस टू माइनस फोर। अब देखो ये सब क्या है, ये टू इंटू ये वाई वन का पूरा ब्रैकेट इंटू ये वाई थ्री का पूरा ब्रैकेट एक दूसरे में मल्टीप्लीकेशन में, सो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व बराबर सी स्क्वायर। सो मैंने क्या किया, टू इंटू सिक्स सब मल्टीप्लीकेशन में, तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई हुआ ट्वेल्व सी स्क्वायर एज इट इज। नाउ ए डी माइनस बी सी इंटू ए डी माइनस बी सी, तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर। और अगेन सी एक्स प्लस डी सी एक्स प्लस डी, लॉ ऑफ इंडाइसेस आपको पता है, जब भी दोनों बेस में मल्टीप्लीकेशन है और बेस सेम है, तो देखो यहाँ सी एक्स प्लस डी बेस सेम है तो कॉमन बेस ले लो और पावर्स को ऐड करो, माइनस टू और माइनस फोर का एडिशन माइनस सिक्स, ये हुआ आपका LHS, ये हुआ LHS। नाउ RHS, RHS क्या बोल रहा है, दिस इज योर LHS, कॉन्स्टेंट टू इंटू सिक्स एक साइड में, सी स्क्वायर एक साइड में, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर हो गया और ये भी कॉमन बेस पावर को एडिशन। आर एच एस बोल रहा है थ्री वाई टू स्क्वायर, सो थ्री एज इट इज वाई टू, वाई टू कौन है, ये रहा माइनस टू सी ए डी माइनस बी सी का ब्रैकेट कंप्लीट देन सी एक्स प्लस डी रेस टू माइनस थ्री, और उसका इस कंप्लीट टर्म का 3 तो एज इट इज और y2 का स्क्वायर यानी इस कंप्लीट टर्म का स्क्वायर, समझ रहे हो। RHS में मैंने पहले 3 एज इट इज रख दिया और स्क्वायर सिर्फ y2 का है, तो y2 क्या है, ये है माइनस टू सी, अच्छा c तो मैंने खा लिया निकाल लिया वापस, सो माइनस टू सी, ठीक है, सो 3 वाई टू स्क्वायर, सो 3 एज इट इज y2 मैं लिख रहा हूँ पहले, बाद में आखिरी में उसका स्क्वायर भी लिया, सो y2 टू माइनस टू सी ए डी माइनस बी सी एंड सी एक्स प्लस डी रेस टू माइनस थ्री उसका स्क्वायर। अब देखो 3 तो एज इट इज, 3 एज इट इज, माइनस टू का स्क्वायर क्या होगा, हर एक चीज़ का स्क्वायर ले लो, माइनस टू का स्क्वायर प्लस ही होगा, सो माइनस का स्क्वायर प्लस फोर, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, ए डी माइनस बी सी के ब्रैकेट का भी स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर लिया इसका लिया, अब ए डी माइनस बी सी का भी ले लो होल स्क्वायर, और सी एक्स प्लस डी ऑलरेडी रेस टू माइनस थ्री है और रेस टू टू, तो जब भी अगेन इंडाइसेस का रूल आपको पता है, जब भी एक बेस की दो पावर होती है तो दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर सी का स्क्वायर इस ब्रैकेट का स्क्वायर, बट यहाँ ऑलरेडी पावर है और उसका फिर से स्क्वायर, सो माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स, सो पावर और फिर से एक पावर, तो दोनों पावर का मल्टीप्लीकेशन। सो देख लो दोस्तों फाइनल आंसर 3 इंटू फोर ट्वेल्व सी स्क्वायर, बाकी ए डी से 3 इंटू फोर ट्वेल्व हो गया, सी स्क्वायर एज इट इज़, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर एज इट इज़, सी एक्स प्लस डी रेस टू माइनस सिक्स एज इट इज़, दिस इज़ योर आर एच एस फ्रेंड, ये रहा आपका RHS। और देखते ही देखते अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो LHS भी वही था 12C स्क्वायर AD माइनस BC स्क्वायर AD माइनस BC स्क्वायर CX प्लस D रेस टू माइनस सिक्स CX प्लस D रेस टू माइनस सिक्स एंड हैंस इट इज प्रूव्ड, हैंस इट इज प्रूव्ड। सो लिख लो, यही है और कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको एक दे दिया था वाई, यहाँ पे आपको हिंट दे दी थी वाई वन, बस अब यहाँ पे याद रखो इस टॉपिक में वाई वन वाई टू वाई थ्री मतलब ये डिफरेंशिएशन के सिंबल है, वाई वन यानी एक बार, वाई टू यानी दो बार, नाम ही है सक्सेसिव, यानी आपको मल्टीपल टाइम डिफरेंशिएशन लेना होगा, बट डिफरेंशिएशन लेने का बेसिक रूल सब वही है, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वोशेंट रूल, ठीक है, डिफरेंशिएशन लेते रहो और जो शो दैट करने बोल रहा है वहाँ तक लाते रहो, और जहाँ पर भी आपको nth डेरिवेटिव लेने का मौका आएगा, दो तीन बार तो ठीक है, बट nth डेरिवेटिव से कैसे निपटना है और फिर वो लिबनिस थ्योरम कैसे आपको बचाएगा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन में, वो सब आप देखोगे धीरे धीरे। सो लिखो तब तक, ये ठीक है दोस्तों, सो चलो और एक क्वेश्चन देखेंगे हम, ध्यान दे, भटकना नहीं है बस, बहुत ही आसान चीजें हैं। सो अगला क्वेश्चन
बिल्कुल रेडी हो जाओ, सारे रूल्स डिफरेंशिएशन के वार्म अप कर लो। जैसे क्वेश्चन सामने आएगा इसी तरीके से उस पर टूट पड़ो, ठीक है। सो इफ वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन ऑफ साइन एक्स, देन प्रूव दैट, शो दैट, प्रूव दैट, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अभी इस बार डायरेक्ट उसने ये सिंबल यूज किया है तो कोई टेंशन नहीं है, दो बार डेरिवेटिव प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू टैन एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी प्लस वाई इज इक्वल टू नहीं है, चेंज करो, प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो, ये आपको प्रूव दैट करना है, ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन आपको दे दिया है वाई का बेसिक फंक्शन, सो प्रूव दैट बी स्क्वायर वाई बाई, यानी यहाँ से हिंट मिल गई, दो बार डेरिवेटिव लेना है, एक बार डेरिवेटिव टैन एक्स प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज जीरो। सो चलो सोल्यूशन, दोस्तों इतना तो पक्का पता है कि दो बार तक तो डेरिवेटिव लेना है, तब तक थकना नहीं है। सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, चेन रूल यूज़ करो, साइन का पहले होता है कॉस ऑफ जो एंगल है वो एंगल है साइन एक्स इंटू फिर एंगल का, साइन का होता है फिर से कॉस एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन क्या आ गया, साइन ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी ये एक फंक्शन हुआ पूरा कॉस ऑफ साइन एक्स, ये कॉस के अंदर का एंगल है साइन एक्स इंटू ये दूसरा फंक्शन साइन एक्स, सो दिस इज योर डी वाई बाई डी एक्स। जैसे डी वाई बाई डी एक्स आपने ले लिया, आपको पता है एक डेरिवेटिव तो और लेना ही है, सो ले लो वन मोर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ अब यहाँ पे ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, सो यू इंटू वी, यू वी रूल जिसको आप बोलते हो प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट को मैं एज इट इज रखता हूँ, कॉस ऑफ साइन एक्स को एज इट इज इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस, अब कॉस एक्स को एज इट इज रखता हूँ यानी सेकंड को एज इट इज रखता हूँ, दूसरे का डेरिवेटिव दूसरा यानी कौन, कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स, सो पहले कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, समझ रहा है, चेन रूल प्रोडक्ट रूल के अंदर में, सो यू इंटू वी ये एक फंक्शन हुआ पूरा कॉस ऑफ साइन एक्स यू, ये दूसरा फंक्शन वी, सो फर्स्ट फंक्शन यू एज इट इज वी का डेरिवेटिव प्लस कंपलसरी प्लस वी एज इट इज यू का डेरिवेटिव, तो यू का डेरिवेटिव क्या आया, कॉस का हुआ पहले तो माइनस साइन जो एंगल है वो इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस यानी एंगल का डेरिवेटिव, सो देख लो ये क्या हो गया, ये माइनस साइन इधर ले लो, सो माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि ये माइनस साइन तो मैंने इधर ले लिया, सो इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर भी ये जो माइनस है ये माइनस पूरा मल्टीप्लीकेशन में है, सो ये माइनस और प्लस माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कॉस इंटू कॉस पहले कर दो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर, ये भी कॉस है ये भी मल्टीप्लीकेशन में, सो प्लस माइनस माइनस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। सो अब बाकी चीज़ें यहाँ लिखता हूँ, सो ये आया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सो अब देखो ये भी निगेटिव है ये भी निगेटिव है, जो स्ट्रक्चर आपको चाहिए उसमें सब चीज़ें एलएचएस में हैं बराबर, तो ये सारी चीज़ें इधर शिफ्ट कर दो, सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बाद में ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, अगेन ये माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, और मुझे बताओ ये सारे इधर आ गए तो यहाँ क्या बचेगा, जीरो जो आपको चाहिए था बराबर इज इक्वल टू जीरो। सो अब देखो हमें ये चाहिए, अभी तक डिक्टो ये तो नहीं मिला है बट इससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता मिल गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, चलो भाई आ गया, इस स्टेप का टेंशन गया। अब सेकंड स्टेप में चाहिए यार डी वाई बाई डी एक्स इंटू टैन एक्स, यानी पिक्चर में आपको यहाँ डी वाई बाई डी एक्स कहीं नहीं दिख रहा, ये था सेकंड डेरिवेटिव मिल गया लेकिन डी वाई बाई डी एक्स कहीं नहीं दिख रहा है, तो पहले पिक्चर में आपको डी वाई बाई डी एक्स लाना होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, ये आप यहाँ देख चुके हो कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ साइन एक्स, तो मुझे बताओ यहाँ तो कॉस ऑफ साइन एक्स ऑलरेडी है इंटू कॉस एक्स,
इंटू कॉस एक्स। तो मुझे बताओ, अगर यहाँ मेरे पास ऑलरेडी कॉस ऑफ साइन एक्स है, ऑलरेडी कॉस ऑफ साइन एक्स है, या एज इट इज रखता हूँ, कॉस ऑफ साइन एक्स मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब इंटू कॉस एक्स लाने के लिए मैं यहाँ पे इंटू कॉस एक्स अपने मन से कर लेता हूँ, लेकिन जैसे अपने मन से इंटू कॉस एक्स किया, तुरंत मुझे डिवाइड बाय भी कॉस एक्स करना होगा, क्योंकि एट द एंड कॉस एक्स कैंसिल, वैल्यू रत्ती भर भी नहीं बदलेगी। यानी ये एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पिक्चर में इस इक्वेशन के हिसाब से डिवाइड बाय डी एक्स को लाना है। सो डिवाइड बाय डी एक्स तभी मिलेगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा। तो कॉस ऑफ साइन एक्स पहले से था, बट यहाँ पे इंटू साइन एक्स था, तो मैंने कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स कर लिया। जैसे ही ऊपर किया, नीचे भी डिवाइड कर दिया, इंटू ये वाला साइन एक्स एज इट इज, इसको नहीं भूलना है, प्लस, हाँ ये तो यार ये तो बोनस हो गया, साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ साइन एक्स। यहाँ देख लो क्या दिया है क्वेश्चन ने आपको, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो फर्स्ट टर्म तो मिल गई, सेकंड टर्म का हम जुगाड़ अभी कर रहे हैं, थर्ड टर्म क्या है, वाई कॉस स्क्वायर एक्स, बट हमारी थर्ड टर्म तो ये है जिसमें कॉस स्क्वायर एक्स तो भाई मैच हो गया, लेकिन यहाँ पे वाई नहीं है, साइन ऑफ साइन एक्स है दोस्तों, लेकिन साइन ऑफ साइन एक्स ही तो वाई है। देख लो साइन ऑफ साइन एक्स की ही वैल्यू क्या है, वाई। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई को पहले लिख देता हूँ, साइन ऑफ साइन एक्स की जगह वाई हम बेशक लिख सकते हैं, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सिर्फ इससे मैच करने के लिए, इज इक्वल टू जीरो। और बस ये देख लो, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, प्लस मुझे बताओ ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो गया, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये पूरा टर्म जिसको मैंने सर्कल किया है, इस कंटूर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स। तो इस पूरे कंटूर के जगह हमने लिख दिया डी वाई बाय डी एक्स। और अगेन यहाँ क्या बचा, ये तो डी वाई बाय डी एक्स हुआ, ये बचा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये साइन एक्स न्यूमरेटर में ऊपर है, कॉस एक्स नीचे है, ये वाला, ये कॉस एक्स तो इसके साथ एडजस्ट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और दूसरा सर्कल ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या होता है, टैन एक्स, बच्चा बच्चा जानता है, प्लस वाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। और देखते ही देखते जो एक्सप्रेशन हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है दोस्तों। लिख लो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए लिख लो फटाफट। यही है डिफरेंशिएशन सक्सेसिव, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक क्लियर तो सब क्लियर। ठीक है, सो जैसे मैंने कहा, ये तो जैसे एक ट्रेलर था कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब अब बस आपको यही करना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक लेते रहो। जब आपको दो तीन पे रुकना है तो उसका ट्रेलर आप अभी आपने देखा, जब nth डेरिवेटिव बोलेगा उसका ट्रेलर आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, और उस nth डेरिवेटिव में किस तरह से फिर लिबनिस थ्योरम का इंट्रोडक्शन होगा, किस तरह से उसकी एंट्री होगी एक शानदार तरीके से, वो आप देखोगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको रिवाइज करो, और फिर से लास्ट टाइम बता रहा हूँ, सर आपने तो कहा था आप लास्ट टाइम तभी बता रहे थे, लेकिन अभी एक बार और बता देता हूँ कि अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा होगा तो पहले वो अच्छी से रिवाइज करो। गुड डे।